लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सोशल मीडिया पर राजनीतिक पार्टियों की खबरें सबसे ज्यादा प्रचारित हो रही हैं। इस सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस तस्वीर में संबित पात्रा घर के बाहर एक पोस्टर चस्पा करते दिख रहे हैं, जिस पर लिखा है चौकीदार चोर है। इस फोटो के वायरल होने के साथ ही इस पर लाइक और शेयर की बाढ़ आ गई है। इसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया जा रहा है। एक यूजर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि अब तो संबित पात्रा ने भी मान लिया, भक्तों तुम भी मान लो। इस तस्वीर को लेकर कोई सोच बनाने से पहले ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि आखिर इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। खबर अपडेट की टीम ने इस वायरल फोटो की पड़ताल की तो नतीजा कुछ और ही निकला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत भाजपा समर्थक अपने घर के बाहर पार्टी का झंडा और स्टिकर लगा रहे हैं। संबित पात्रा भी कुछ ऐसा ही स्टिकर लगा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने 13 फरवरी को ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की थी। इस स्टिकर पर लिखा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन कुछ शरारती लोगों ने इस तस्वीर को एडिट करके पोस्टर में चौकीदार चोर है लिख दिया। हमारी पड़ताल में संबित पात्रा के मोदी को चोर कहने का दावा झूठा साबित हुआ। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमारी आपसे भी गुजारिश है कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी पोस्ट या मैसेज आता है तो उसे लाइक या शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जान लें।